बाबा महाकाल की शाही सवारी में विश्व रिकॉर्ड बन गया है। जी हाँ, महाकाल लोक के शक्ति पथ पर जब 1500 डमरू वादकों ने 10 मिनट तक डमरू बजाया तो दुनिया के रिकॉर्ड में इसकी गूंज हमेशा के लिए अंकित हो गई। देखिए खास रिपोर्ट। बाबा महाकाल की शाही सवारी में बना वर्ल्ड रिकॉर्ड। 1500 डमरू वादकों ने 10 मिनट तक डमरू वादन कर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। महाकाल लोक के शक्ति पथ पर दिव्य डमरू वादन का विहंगम नजारा। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत रहे मौजूद। सावन के तीसरे सोमवार को बाबा महाकाल की शाही सवारी से पहले जब महाकाल लोक की शक्ति पथ पर 1500 डमरू वादकों ने भस्म आरती की धुन पर लगातार 10 मिनट तक डमरू वादन किया तो ये लम्हा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। महाकाल की नगरी में डमरू की गूंज जिसके भी कानों में पड़ी वो भाव विभोर हो उठा। तीसरे सोमवार बाबा महाकाल की सवारी में उत्साह, उमंग और भक्ति का दृश्य और अधिक विहंगम नजर आया। लाखों भक्त बाबा महाकाल की पालकी यात्रा के दर्शन के लिए उमर पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, उज्जैन। We've been attempted here today in the largest Damru ensemble. The current record is 488 people and was achieved by the Federation of Indian Association in New York from 21st to August 2022. So, मेरे साथ जो एडजुडिकेटर है श्रीनाथ, उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे जो अटेम्प करने जा रहे हैं वो अटेम्प है लार्जेस्ट डमरू ओंसम्बल, और इसको 488 लोगों ने फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क में 21 अगस्त 2022 से किया हुआ। सीएम मोहन यादव की मंशा अनुरूप बाबा महाकाल की पालकी यात्रा से पहले डमरू वादन का ये आयोजन किया गया जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बने मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत। भोपाल और उज्जैन के डमरू वादक दल ने ये प्रस्तुति दी।